हेलो स्टूडेंट्स, विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है और किसी पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में जान लिया था। किसी अवस्था में किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं इस बात को भी समझ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, क्या किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, अर्थात ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में बदला जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग किसी भी अवस्था में पदार्थ की संरचना कैसी होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बात करते हैं ठोस की, तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसके कण एक नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं, अर्थात उन कणों के बीच की दूरी निश्चित होती है। कोई भी दो कण ले लीजिए, सभी कणों के बीच की दूरी लगभग समान होती है। ये बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण ठोस के कोई भी दो कण आपस में बहुत ही मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये दो कण अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते। ये जिस स्थिति में है ये उसी स्थिति में बने रहते हैं। इसीलिए ठोसों की आकृति, ठोसों का आकार या ठोसों का आयतन, ये तीनों ही निश्चित बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? ये तीनों ही निश्चित बने रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठोस के कणों में कोई गति नहीं होती है। तो इसका जवाब है कि ठोस के कणों में गति होती है लेकिन बहुत कम। कौन सी गति होती है? ठोस के कण अपनी स्थिति में रहकर कंपन करते रहते हैं। कंपन, अपनी स्थिति के इधर उधर ये कंपन करते रहते हैं, अर्थात कौन सी गति करते हैं? कंपन गति करते रहते हैं। इस कंपन गति का एक आयाम होता है। आयाम का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अगर इस स्थिति में है और वो यहां से दाएं बाएं कंपन करती है तो जहां तक वो वस्तु जा सकती है उस दूरी को कहते हैं हम आयाम। तो आयाम जो होता है कंपन का वो बेहद सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ठोस के कणों में कंपन गति होती जरूर है। क्या इस गति को प्रभावित कर सकते हैं? इस गति को प्रभावित कर सकते हैं किसके द्वारा? ताप के द्वारा, ताप वृद्धि के द्वारा। यदि हम क्या करते हैं, किसी भी ठोस को गर्म करते हैं, किसी भी ठोस के ताप में बढ़ोतरी करते हैं, तो क्या होता है, इन कणों में जो कंपन ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा है, तो इन कणों में जो कंपन ऊर्जा है वो बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तो कंपन का आयाम भी बढ़ेगा, कंपन का आयाम और बड़ा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम ताप में बढ़ोतरी करते जाएंगे कंपन गति तेज होगी, कंपन का आयाम बढ़ता चला जाएगा। यह बात है ठोस की। एक बार फिर से समझते हैं, ठोस के कण एक नियमित व्यवस्था में रहते हैं, उनके बीच की दूरी लगभग समान होती है, बेहद सूक्ष्म होती है, जिसके कारण दो कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है पर वो अपनी स्थिति को नहीं बदलते, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहते हैं। इसीलिए ठोस की आकृति, ठोस का आकार और आयतन ये तीनों ही निश्चित बने रहते हैं। ठोस के कणों में कंपन गति होती है,
लेकिन कंपन का आयाम बेहद सूक्ष्म होता है। यदि हम ताप वृद्धि करते हैं, यदि हम इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं ठोस को, तो कंपन का आयाम बढ़ता जाएगा, यानी कंपन और तेजी से और उनका आयाम और बड़ा हो जाएगा। तो बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो परस्पर अधिक दूरी पर होते हैं, उनके बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम रहता है। और कम आकर्षण बल के कारण ये कण गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ये गति कर सकते हैं, लेकिन इनके गति की एक निश्चित परिसीमा होती है, एक निश्चित बाउंड्री होती है, ये उसी के अंदर गति कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम किसी बर्तन में भरे हुए किसी द्रव को, जैसे कि पानी को फैला देते हैं, तो क्या होता है, वो पानी विस्तार लेने लगता है, फैलने लगता है, लेकिन एक निश्चित बाउंड्री के अंदर जाकर के वो रुक जाता है, एक निश्चित दूरी तक फैलने के बाद वो रुक जाता है। और जितनी दूर तक पानी फैलेगा वो पूरी दूरी में पानी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो ये परीक्षण ये साबित करता है कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो गति तो करने देता है, लेकिन एक निश्चित दूरी तक, उसके बाद वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। और इसीलिए जो द्रव का आकार है या जो द्रव की आकृति है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, वो अनिश्चित है, लेकिन जो द्रव का आयतन है वो निश्चित है। द्रव का आयतन निश्चित होता है जबकि आकृति और आकार अनिश्चित होते हैं। अगर हम द्रव को गर्म करें तो क्या होगा? अगर हम द्रव के ताप में वृद्धि करें तो क्या होगा? तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये जो कण गति कर रहे हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गति की परिसीमा भी बढ़ेगी, दो कणों के बीच की जो औसत दूरी है वो भी बढ़ेगी। यानी धीरे धीरे जो हमारा द्रव है वो गैसीय अवस्था की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देगा। गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बेहद कम, नगण्य होता है। और इसीलिए ये कण अनियमित रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इनकी गति अनियमित होती है, कहीं तक भी जा सकते हैं, अनिश्चित होती है, न तो कोई गति की दिशा होती है और न ही कोई गति की परसीमा होती है। अनियमित और अनिश्चित गति करने के कारण ही न तो इनका आकार और आकृति निश्चित है, ये आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित है, गैसों में अनिश्चित है, और न ही इनका आयतन निश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। अब बात आती है अवस्था परिवर्तन की। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब, अब आप सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि दो कण यदि पास पास हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, उनकी स्थितियां निश्चित हैं, वो छोटे आयाम की कंपन गति कर सकते हैं, तो ये पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। लेकिन यदि इसी पदार्थ को हम गर्म कर दें, इसका ताप बढ़ा दें, तो इनकी गति ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन ज्यादा बड़े होंगे, कंपन बड़े होने के कारण जो इनके बीच आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ेगा और कणों के बीच की औसत दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब कण गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन एक निश्चित परिसीमा के अंदर, अर्थात हम कह सकते हैं जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था को प्राप्त करने लगेगा। लेकिन क्या ठोस को गर्म किया तुरंत ही ऐसा होगा? नहीं, जब आप ठोस को गर्म करते जाएंगे तो एक निश्चित तापमान ऐसा आएगा कि उस तापमान पर यह अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उस तापमान को हम कहेंगे उस पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट।
गलनांक। तो गलनांक क्या है? गलनांक किसी भी पदार्थ के लिए वह निश्चित तापमान है जिस पर वह पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। तो ये हो गया पदार्थ का गलनांक। अब पदार्थ की गलनांक का सीधे सीधे इस बात से संबंध होता है कि उस ठोस के कणों के बीच में कितना आकर्षण बल है। यदि इन कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है इस आकर्षण को कम करने के लिए, इन कणों को दूर करने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात ज्यादा पदार्थ को गर्म करना पड़ेगा, तो गलनांक बढ़ जाएगा। तो गलनांक का सीधा संबंध है कणों के बीच के आकर्षण बल से। जो ठोस जितना ज्यादा आकर्षित करेगा अपने कणों के बीच में, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उस ठोस का गलनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा गलनांक हमें यह बताता है कि इस ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। अब यदि हम इस द्रव अवस्था में आए हुए पदार्थ को और गर्म करते हैं तो इन कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी। जब और बढ़ेगी तो ये कण एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, इनके बीच का आकर्षण बहुत कम हो जाएगा, जिससे इन कणों की गति कैसी हो जाएगी? अनिश्चित एवं अनियमित। अर्थात वो कौन सी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे? वो गैस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रक्रिया भी एक निश्चित तापमान पर ही होगी और उस निश्चित तापमान को हम कहेंगे उस पदार्थ का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या होता है किसी भी पदार्थ का? तो किसी पदार्थ का वह निश्चित तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? ताप के द्वारा। अगर हम ताप परिवर्तन करेंगे, जैसे ठोस के ताप में बढ़ोतरी करेंगे, तो वो एक निश्चित तापमान पर द्रव बनने लगेगा। द्रव के तापमान में बढ़ोतरी करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर वो एक गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देगा। इसकी ठीक रिवर्स यानी जो विपरीत प्रक्रिया है वो भी हो सकती है। यदि हम किसी भी गैस अवस्था में पदार्थ की गतिज ऊर्जा को कम करें, यानी उससे हम ऊर्जा ले लें, उसका तापमान कम करेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी। कणों की जो गतिज ऊर्जा है, जो गति करने की क्षमता है, वो कम होगी। कम होगी तो कण पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनके बीच आकर्षण पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। आकर्षण बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे द्रव अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। यदि प्रक्रिया और आगे बढ़ाई जाएगी तो वो धीरे धीरे ठोस अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है और ठीक विपरीत प्रक्रिया भी की जा सकती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन है, जो अवस्था में बदलाव है, उसमें ताप का क्या काम है, यानी ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या समझा कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, उसके ताप में बढ़ोतरी करते हैं, तो कणों के बीच की औसत दूरी बढ़ जाएगी, जिससे कण जो होंगे वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन एक परिसीमा के अंदर, अर्थात वो पदार्थ द्रव अवस्था को प्राप्त करने लगेगा। और गर्म कर देंगे तो एक निश्चित तापमान पर उन कणों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो पदार्थ गैस अवस्था को प्राप्त करने लगेगा। ठीक विपरीत प्रक्रिया भी की जा सकती है। जिस प्रकार से हम ऊष्मा देकर के गर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से उस पदार्थ को ठंडा करके उससे ऊष्मा लेकर के विपरीत प्रक्रिया भी की जा सकती है, यानी कि गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था को प्राप्त करते हैं और ठंडे होने पर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो सारी प्रक्रियाओं को एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये मान लीजिए यहां पर ठोस है। अगर हम किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे,
ऊष्मा देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, तो वो द्रव्य में बदल जाएगा। और यदि हम द्रव को गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, तो वो गैस में बदल जाएगा। तो यहां हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और जब ऊष्मा देंगे तो कोई भी द्रव गैस में बदलेगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे बाष्पीकरण, बाष्पीकरण। ऐसे ही जब ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, यहां भी हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संगलन, संगलन। विपरीत प्रक्रिया क्या होगी, जब हम गैस से ऊष्मा लेंगे यानी गैस को हम ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो विपरीत प्रक्रिया क्या होगी, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा ले रहे हैं इससे, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी आपकी संघनन, कंडेंसेशन। जब कोई गैस द्रव अवस्था को प्राप्त करती है उसे हम क्या कहेंगे, संघनन। इसी प्रक्रिया के माध्यम से बादल बनने की प्रक्रिया होती है। द्रव को ठंडा करेंगे, इससे हम ऊष्मा लेंगे, तो ये ठोस में बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जमना, जमना। ये जमने की प्रक्रिया होती है। लेकिन हमने कहा कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, और ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। जब हम इन पदार्थों को ठंडा करते हैं तो ये गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझ लीजिए, एक चार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठोस को गर्म किया, द्रव में बदल गया, ये प्रक्रिया कहलाएगी संगलन। जिस तापमान पर ये द्रव में बदलेगा वो तापमान कहलाएगा गलन। द्रव को गर्म किया, द्रव गैस में बदल जाएगा, ये प्रक्रिया कहलाएगी बाष्पीकरण। जिस तापमान पर ये गैस में बदलेगा वो तापमान कहलाएगा क्वथनांक। ऐसे ठोस कुछ ऐसे होते हैं तो गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन बिंदु जो होता है वो हर एक ठोस पदार्थ के लिए अलग होता है, जैसे गलनांक और क्वथनांक अलग होता है। जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो सीधे बन जाएगा ठोस में, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे निक्षेपण। एक और चार्ट हम बना लेते हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए हमने क्या किया है, किसी पदार्थ को गर्म किया है, उसका ताप बढ़ाया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको एक चार्ट के माध्यम से आप समझ लीजिए। और इसको आप लोग चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि जो मैं अपने कुछ समरी में छोटे से नोट्स बनाता हूं या बनाऊंगा, मैं उनकी पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड करवा सकूंगा, तो ये मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैंने किसी पदार्थ को गर्म किया, पदार्थ को गर्म किया यानी पदार्थ के ताप में वृद्धि की, पदार्थ के ताप में वृद्धि की। जब पदार्थ के ताप में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो उस पदार्थ के जो कण है उन कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो कण की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, निश्चित रूप से कण होंगे वो गति उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कण की जो गति होगी, कण की गति वो अनियमित हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। और अनियमित गति होगी तो क्या होगा, वो पदार्थ द्रव बन जाएगा। यह चीज द्रव पे भी अप्लाई होती है, द्रव को गर्म करेंगे तो गति ऊर्जा में और वृद्धि होगी, गति और ज्यादा निश्चित अनियमित हो जाएगी तो वो गैस बन जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन में ताप का क्या प्रभाव है, ताप किस प्रकार से एक पदार्थ की अवस्था को बदलता है, वो आपने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब को बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दाब किसे कहते हैं, दाब।
प्रेशर किसे कहते हैं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई सतह है, ये कोई सतह है और इस सतह पर मैंने बल लगाया है इस सतह के लंबवत। मान लीजिए कितना बल लगाया है, एफ बल लगाया है। इस सतह का एरिया कितना, क्षेत्रफल कितना है, ए। तो ये सतह है, इस सतह के लंबवत हमने लगाया है बल, ऊपर से बल कितना लगाया, एफ। इस सतह का क्षेत्रफल ए। तो जो दाब होता है, दाब उसको प्रेशर, प्रेशर से पी फॉर प्रेशर, तो दाब पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, पी बराबर एफ अपॉन ए, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, दाब। कैसा बल, लंबवत। तो किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ये तो दाब है, ये अलग विषय, बाद में पढ़ाऊंगा इसको, अलग टॉपिक है। फिलहाल ये समझते हैं कि दाब डालने पर क्या होगा। तो दाब अल्टीमेटली किससे बनेगा, बनेगा तो बल से, बल होगा तभी दाब होगा। तो आप समझ लीजिए दाब का मतलब यहां पे मैं बल लगा रहा हूं। तो मान लीजिए कोई ये एक पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में ये एक पदार्थ है, तो निश्चित रूप से इसके कण बहुत दूर दूर होंगे। यदि हम दाब डाल करके इन कणों को एक दूसरे के समीप लाए, एक दूसरे के समीप लाए, नजदीक लाए, तो क्या होगा, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी घटेगी क्या होगा, इन कणों के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, इन कणों की जो गति होगी वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी, यानी वो गति करेंगे लेकिन एक निश्चित पर सीमा के अंदर। तो एक गैस होगी वो किसमें बदल जाएगी, वो द्रव्यमय बदल जाएगी, गैस में वो द्रव्यमय बदल जाएगी। यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है, क्या बात, यह है कि यदि तुमने दाब में वृद्धि की, दाब को बढ़ाया और तुमने ताप को भी बढ़ा दिया, तो तुम कभी भी अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण जो होंगे वो और ज्यादा गति करेंगे। अब तुम दाब अगर लगाओगे तो उस दाब से वो कण तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे, अर्थात जो तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा उद्देश्य है कि उन कणों को पास लाया जाए जिससे उनके बीच आकर्षण बढ़ जाए और वो गैस जो है वो द्रव अवस्था बदल जाए। लेकिन अगर तुमने ताप बढ़ा दिया, ताप में वृद्धि कर दी, तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, वो गति ऊर्जा बढ़ेगी तो इन कणों में गति और ज्यादा हो जाएगी, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हम दाब वृद्धि करते हैं उसके साथ साथ हम ताप में कमी करते हैं, ताप में कमी करते हैं, ताप को हम कम करेंगे या हम ताप को स्टेबल रखेंगे, ना बढ़ोतरी करेंगे ना कमी करेंगे, जो है उसको रहने देंगे और दाब में बढ़ोतरी करेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी गैस को द्रव बनाना, लिक्विड बनाना। जैसे जैसे हमारे घरों में गैस आती है जिसका खाना बनता है रसोई में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस है लेकिन लिक्विड है। तो ये लिक्विड कैसे बनती है, क्या करते हैं, एलपीजी को हम कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे हम, इस पेट्रोलियम गैस का जो टेम्परेचर है वो डाउन करेंगे, इससे हीट निकालेंगे, इससे ऊष्मा निकालेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, कण की गति ऊर्जा घटने के कारण कणों की गति कम होगी, वो थोड़ा पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, दाब बढ़ा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो गैसों के कण आपस में बहुत पास पास आ जाएंगे और वो द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। फिर उस गैस को मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे सिलेंडर में, तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे 2 किलो गैस है, 5 किलो गैस है, तो 5 किलो वाली गैस जो होती है उसको हम 15 किलो के सिलेंडर में रख देते हैं, 14 किलो गैस को भी हम 15 किलो सिलेंडर में रख लेते हैं। तो 5 किलो गैस हो तो भी 15 किलो के सिलेंडर में, 14 किलो गैस हो तो भी 15 किलो वाले सिलेंडर में, अर्थात गैस को आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। ऐसी बनती है आपकी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड माने उसके ऊपर दाब डाला जाता है, दाब डालने से क्या होता है, कण पास पास आते हैं और टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। अगर उस गैस को खुला वातावरण दे दें तो तुरंत गैस बन जाएगी,
जैसे अगर आप सीएनजी का सिलेंडर है उसको उसका नोजल ढीला कर दोगे तो सीएनजी निकलेगी, यानी लिक्विड तो नहीं निकलेगा और तुरंत गैस बनना शुरू कर जाएगी। ऐसे ही एलपीजी में भी तुरंत अगर आप सिलेंडर थोड़ा भी लीकेज होता है तो उससे गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये लिक्विड क्यों नहीं निकलेगा? उसका कारण है कि जैसे ही वो द्रव अवस्था में जो पदार्थ है वो हमारे वातावरण के संपर्क में आएगा तो उसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, हमारे वातावरण के टेम्परेचर से इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो फिर से ही द्रव से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि ताप परिवर्तन से किस प्रकार अवस्था में बदलाव होता है और दाब में बढ़ोतरी करने से किस प्रकार से अवस्थाएं बदल जाती है। अब जैसे एक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है और इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाया जाता है तो ये सीधे सीधे ठोस अवस्था में बन जाती है और जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये तुरंत फिर से क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें से इसकी हीट को निकाल लेते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके इसको हम सीधे ठोस अवस्था में बदल देते हैं। तो इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। बर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडी होती है। चूंकि हम क्या करेंगे, CO2 से बहुत हीट निकाल लेंगे तो ये भी बहुत ठंडी होगी और ये भी ठोस का रूप ले लेगी। तो हम कहेंगे सोचते हैं कि बाष्पीकरण क्या होता है, बाष्पीकरण क्या होता है। अभी हमने समझा था कि कोई भी द्रव अवस्था में अगर पदार्थ है और वो गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं और ये प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है और उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो हम कह सकते हैं कि बिना क्वथनांक के भी द्रव किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है? जैसे अगर उदाहरण लेते हैं पानी का, तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कहीं किसी तालाब में पानी भरा हो, नॉर्मली जब टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता तो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जब गर्मी नहीं भी होती है तब भी लगातार तालाबों में जो पानी भरा होता है इसकी सतह से लगातार ये पानी भाप बनता रहता है। तो क्या ये प्रक्रिया वाष्पीकरण नहीं है? ये भी वाष्पीकरण है जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हो रही है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, लेकिन उसका टेम्परेचर जो हो, तापमान जो हो, क्वथनांक से कम हो। जैसे हमने तालाब भरा भरा आपको दिया कि तालाब का जो सतह होगा ऊपर का उसका टेम्परेचर उतना ही होगा जितना हमारे एटमोस्फियर में होगा, हमारे वायुमंडल में होगा, जो 100 से तो बहुत कम होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती तो 40-45 होता है। उस स्थिति में भी ये जो सतह का जल है वो लगातार भाप बन करके वायुमंडल में जाता रहता है। तो ये प्रक्रिया भी बाष्पीकरण कहलाती है। तो बाष्पीकरण से तात्पर्य होता है क्वथनांक से कम ताप पर किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, क्वथनांक से कम ताप पर और क्वथनांक पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक अंतर है कि जब क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पीकरण होगा तो केवल सतह से होगा, केवल सतह से होगा, और जब क्वथनांक पर वाष्पीकरण शुरू होगा तो वो पूरे के पूरे पदार्थ के अंदर शुरू होगा। जैसे पानी है, अगर उसको हम किसी बर्तन में भर के उबालते हैं, फैलाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इसके सारे कण ऐसे नीचे से ऊपर आते जाएंगे और ये लगातार क्या बनता जाएगा, भाप बनता जाएगा। और ये जो प्रक्रिया होगी
वो इस प्रक्रिया की अपेक्षा थोड़ी तेजी से भी होती है। तो क्वथनांक पर वाष्पीकरण जो होता है, यानी कोई भी द्रव गैस में बदलता है क्वथनांक पर या उससे कम ताप पर, तो दोनों में एक अंतर है क्या कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो केवल सतह से होती है, जबकि क्वथनांक पर जब किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो वो पूरे के पूरे द्रव में होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। वाष्पीकरण को कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े हमने धोए, उसको निचोड़ करके उसमें थोड़ा पानी की मात्रा को कम कर दिया और उसको हमने सूखने के लिए डाल दिया। थोड़ी देर में वो कपड़े सूख जाते हैं, यानी उसमें जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है, वो सूख जाते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं? कौन सी प्रक्रिया को? वाष्पीकरण की प्रक्रिया को। तो उनमें से पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज होगी। अब सवाल यह होता है कि आखिरकार सतह से ही वाष्पीकरण क्यों होता है, अंदर से क्यों नहीं होता? तो उसका कारण यह है कि सतह में जो द्रव के कण मौजूद होते हैं उनमें से कुछ कणों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, कहां से मिलती है? वायुमंडल से मिलती है। इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो इस सतह को छोड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं। इसीलिए केवल सतह के कण जो होते हैं वही वाष्पीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो क्या होगा जब ये सतह के सारे कण धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे तो क्या वाष्पीकरण बंद हो जाएगा? नहीं, जब ये कण चले जाएंगे तो कोई दूसरा कण सतह पे आ जाएगा, उसको धीरे धीरे वायुमंडल से ऊर्जा मिलेगी और वो भी इस सतह को छोड़ देगा। यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। तो सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो ऐसे कणों की संख्या बढ़ेगी जो सतह पर मौजूद होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे कण जिनकी संख्या बढ़ चुकी है, जिनके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा है, तो वो सारे कण क्या करेंगे? इस सतह को छोड़ करके वायुमंडल में जाएंगे, यानी ज्यादा वाष्पीकरण होगा। दूसरा कारण है ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, अगर तापमान बढ़ जाएगा, मान लीजिए वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मियों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है और जितनी ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, जितना ज्यादा, जैसे आप सर्दियों की बात कर लें तो सर्दियों में ठंड रहती है, तापमान बहुत कम रहता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया नगण्य हो जाती है, यानी बहुत कम होती है, जबकि गर्मियों में ये सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होगा, हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये जो सतह पर स्थित कण है इनको बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा मिलेगी और ये सारे कण क्या करेंगे? सतह को छोड़ करके वायुमंडल में। यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि मैं बात गर्मियों के दिनों की कर रहा हूं, बरसात के दिनों की नहीं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में नमी होती है, जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और बहुत कम जल वाष्प होने के कारण ये जो जल के कण होते हैं वो वायुमंडल में शीघ्रता से चले जाते हैं, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अगर हम बरसात के दिनों की बात करेंगे तो बरसात के दिनों में क्या होगा, जो नमी होगी वो बढ़ जाएगी, बरसात में क्या होगा, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है हमारे वायुमंडल में हमेशा कुछ ना कुछ नमी, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, वो मौजूद रहती है, और इसी जल वाष्प की मात्रा को हम कहते हैं आर्द्रता। तो जब बरसात के दिन आएंगे तो आर्द्रता ज्यादा होगी, वायुमंडल में नमी ज्यादा होगी, और उस स्थिति में ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी तेजी से गर्मी के दिनों में होती है। एक और कारक होता है वायु की गति। वायु की गति, हवा का चलना। जब जोर से हवाएं चलती हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मान लो हम बाइक से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हम कहीं किसी प्रकार से भींग गए, आपने देखा होगा बरसात में कई बार हम जा रहे होते हैं बाइक से तो भींग जाते हैं। जब वर्षा बंद हो जाती है तो बाइक पर जाते जाते हम लोग बहुत जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। कारण क्या है? कारण है वायु की गति। जब वायु तेजी से चलेगी, हवा तेजी से चलेगी, तो वो क्या करेगी, जो भी वस्तु सूखनी है,
जिसमें से वाष्पीकरण होना है उसके आसपास जो जलवाष्प के कण है उनको हवा अपने साथ ले जाती है। जब वो अपने साथ लोहा की जलवाष्प के कणों को ले जाएगी तो उसके आसपास जलवाष्प की कमी हो जाएगी जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। मान लीजिए मेरे कपड़े कहीं सूख रहे हैं तो हवा तेजी से चलेगी तो कपड़े के आसपास जो भी नमी मौजूद होगी उस नमी के जो कण है वो हवा के साथ चले जाएंगे बह जाएंगे जिससे उसके आसपास क्या होगा जलवाष्प के कणों की संख्या या मात्रा कम हो जाएगी जिसके कारण हमारे कपड़े में वाष्पीकरण बढ़ जाएगा और वो जल्दी सूख जाएगा। एक बात और कि जब भी कहीं वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसके आसपास आपको ठंडेपन का एहसास होता है, कूलिंग होती है, शीतलता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम प्रकार की जैसे अभी सैनिटाइजर आया था, सैनिटाइजर हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया है। जब हम सैनिटाइजर को अपने गद्दी पे डालते हैं तो वहां पे हमें ठंडक महसूस होती है, ठंडा ठंडा सा लगता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब सैनिटाइजर को हम यहाँ पे डालते हैं अपनी हथेली पर तो उन कणों का वाष्पीकरण होता है। जब कणों का वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकृत होकर के कुछ कण चले जाएंगे, कुछ कण हथेली में चिपके रहेंगे। वो वाष्पीकृत होने के लिए हमारी हथेली से क्या लेंगे? ऊष्मा लेंगे। और जब मेरे शरीर से ऊष्मा ली जाती है तो हमें ठंड लगती है, यानी हमें ठंडेपन का एहसास होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब मेरे पसीना निकलता है, पसीना जितना ज्यादा निकलता है हमें उतनी ज्यादा ठंडक महसूस होती है, हमारा शरीर उतना ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। पसीना निकलने पर शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि पसीने के जो बूंदे हैं, जो पसीने के कण हैं, वो वाष्पीकृत होंगे और वाष्पीकृत होने के लिए उन्हें किससे ऊर्जा मिलेगी? हमारे शरीर से। यानी वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेते रहेंगे और वाष्पीकृत होते रहेंगे तो हमारे शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो कम हो जाएगा। और इसी कारण से हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। अगर हम गर्मियों में सूती कपड़े ना पहन के कुछ मोटे कपड़े उस टाइप के पहन लें जिनमें जो पसीना है वो एब्जॉर्ब ना हो, जो पसीने को अवशोषित ना करें, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। सूती कपड़े क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब वो अपने अंदर उसको समाहित कर लेते हैं। और सूती कपड़े का संपर्क किससे होता है? हवा से, वायुमंडल से। तो वो सारे कण वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो सूती कपड़े क्या करेंगे, पसीने के कणों को अवशोषित करेंगे जिससे उसका वाष्पीकरण तेजी से हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो ठंडक है वो बढ़ती जाएगी। तो सूती कपड़े हमें गर्मियों में आराम देते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर हम मान लीजिए ग्लास है और एक ग्लास में हम ठंडा पानी भरते हैं, एकदम फ्रिज से निकला हुआ पानी, एकदम बिल्कुल ठंडा पानी हमने भर दिया, तो इस ग्लास के चारों ओर आपको बूंदें ऐसी जमा दिखाई देती है। तो जब तक इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तब तक क्या लगता है कि आखिरकार ये अंदर का पानी बाहर कैसे आ गया? मुझे भी लगता था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो ग्लास है उसके आसपास बहुत सारी नमी मौजूद है, जलवाष्प मौजूद है। ग्लास में आपने ठंडा पानी भरा या बर्फ डाली तो उसके कारण जो ग्लास की सतह है उसका तापमान बहुत कम हो गया। तापमान बहुत कम होने के कारण ये जो आसपास जितने भी कण है उन कणों की ऊर्जा चली जाएगी। तापमान कम मतलब उनसे ऊर्जा ली जाएगी, उनसे ऊर्जा ली जाएगी मतलब गति ऊर्जा ली जाएगी, गति ऊर्जा कम होगी तो जो गैस होगी वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ग्लास है उसके चारों ओर जलवाष्प यानी नमी मौजूद होती है, नमी के कण मौजूद होते हैं। जब इसका टेम्परेचर कम होगा, ग्लास की सतह का टेम्परेचर कम होगा, तो वो सारे कण उस कम टेम्परेचर के संपर्क में आएंगे अर्थात अपनी ऊष्मा देंगे, और ऊष्मा देंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो एक गैस अवस्था से वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल हैं जो वाष्पीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर मेरा समाप्त हो गया है और इसका हम जल्दी से एक रिवीजन क्लास लेकर के आएंगे जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं।